हाय एवरीवन, तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। देखो, काई स्क्वायर टेस्ट को हम गुडनेस ऑफ फिट नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्व वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ में जो भी डिफरेंस आ रहा है हमारा, जो भी डेविएशंस आ रहे हैं, वो बाई चांस है या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके रेशियो के डेविएशन में। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक हाइपोथेसिस चाहिए उसको कैरी आउट करने के लिए। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो भी डेविएशन आ रहा है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में, वो ड्यू टू चांस है। तो अगर हमारी वैल्यू, काई स्क्वायर की वैल्यू एक रेंज में आती है, तो हम उसको कह देंगे कि नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया, जो भी चेंजेस आए हमारे वो ड्यू टू चांस थे। लेकिन अगर वैल्यू रेंज से बाहर आती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना पड़ेगा। काई स्क्वायर टेस्ट से हम ये नहीं बता सकते कि जो भी हमारा रेशियो आ रहा है या फिर जो भी हमारा क्रॉस हुआ है, क्या वो क्रॉस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हम ये नहीं पता लगा सकते। हम जो पता लगा सकते हैं वो सिर्फ ये है कि जो भी हमारी ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ में डिफरेंस है, वो ड्यू टू चांस है या नहीं है। तो इसका फॉर्मूला है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। इस टेबल से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि वो वैल्यू क्रिटिकल रेंज के अंदर है या वो उसको एक्सीड कर रही है, ठीक है। देखो, होता क्या है कि यूनिवर्सल वैल्यू हमने प्रोबेबिलिटी की 0.05 ली है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जो भी हमारे फीनोटाइप आ रहे हैं उसको हम एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फीनोटाइप, ठीक है। उसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। मान लो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है, ठीक है, और हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2.36। एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं हम कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और काई स्क्वायर की वैल्यू 2.36 है। तो 2 और हमारी 0.05 की वैल्यू 5 के अराउंड थी, और हमारा 2.36 कहीं लाए करेगा इन दोनों के बीच में। तो ये 0.05 की प्रोबेबिलिटी से तो ज़्यादा है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर प्रोबेबिलिटी 0.05 या उससे बड़ी हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हमारी प्रोबेबिलिटी 0.05 से अगर कम हुई तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि पर्पल फ्लावर्स को क्रॉस कराया गया वाइट फ्लावर से, पर्पल जनरेशन आ गई, देन F2 जनरेशन हमारी ये कुछ आई। रेशियो हमें वैल्यू से ही पता चल रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो रेशियो प्रोजनी के हिसाब से 3:1 ही होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड रेशियो लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। फिर हमें एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो हमारी वैल्यू है उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जो डोमिनेंट था 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, तो ये हमारा जो डोमिनेंट वाला आ जाएगा जो पर्पल था, ऐसे ही वाइट के लिए हम 1/4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब हम ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड को कैलकुलेट करके देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, और हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, 2, काई स्क्वायर की वैल्यू 2 आई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि फिनोटाइप सिर्फ 2 ही थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी 1 आ जाएगी। टेबल में चेक करते हैं हम, तो टेबल में हमें दिख रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और वैल्यू 0.05 की तो 3 है, तो 2 मेरा कुछ लाई करेगा इन दोनों के बीच में। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा आ रही है मेरी, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब जो भी डिफरेंस आया है वो ड्यू टू चांस है। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो क्वेश्चन पढ़ते ही वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करके देखो। मीनवाइल हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे क्रॉस किया गया है नॉर्मल लॉन्ग विंग का डंपी म्यूटेशन के साथ, जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है उसका। देन F1 जनरेशन जो आया है उन सबका लॉन्ग विंग फ्लाई थी, फिर F2 जनरेशन में ये आया। अगर वैल्यूज़ की बात करें तो ये 3:1 रेशियो के अप्रॉक्स आ रहा है, तो हम हाइपोथेसाइज्ड रेशियो क्या लेंगे, 3:1, ठीक है। आप इसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये हमारा रिजल्ट ऑब्टेन होगा या नहीं।
पहले हमने ऑब्जर्व वैल्यूज रख ली, टोटल हमारा ये आ गया, टोटल से हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली, क्योंकि ये डोमिनेंट वाला था तो हमने इसको 3/4 से 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन इधर भी इधर 1/4 इंटू 1000 कर दिया, ये वैल्यूज आ गई, फार्मूले में पुट किया, एंड देन हमारी वैल्यू जो ओवरऑल वैल्यू आई है काई स्क्वायर की वो आई है 9.41। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 - 1 1 हो जाएगा। अब टेबल में चेक करते हैं, ये मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, ठीक है, 0.05 पे 3 के अराउंड आ रहा है, तो अगर मैं देखूँ तो ये 9.41 तो प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, ठीक है, इधर आ रहा है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। व्हाट डू द डाटा सजेस्ट अबाउट द डंपी म्यूटेशन, तो ये बता रहा है कि जो डंपी म्यूटेशन की ऑब्जर्व वैल्यूज आई है वो एक्सपेक्टेड से भी बहुत कम आ रही है, ठीक है, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा डेविएशन है। अभी डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्पल कर्नल्स को जो डोमिनेंट है येलो पे और फुल कर्नल्स डोमिनेंट है श्रंकन पे, तो क्रॉस कराया गया है पर्पल और फुल का येलो श्रंकन के साथ, और जो प्रोजनी आई वो आई पर्पल फुल, पर्पल श्रंकन, देन येलो फुल एंड येलो श्रंकन, और कुछ ये हमारी प्रोजनी आई है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं डायहाइब्रिड की तो हमारा रेशियो मेंडल के हिसाब से 9:3:3:1 आना चाहिए, लेकिन प्रोजनी की वैल्यूज़ देख के ये रेशियो सही नहीं होता है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मोर और लेस सब सेम ही लग रहा है, तो हम इसको 1:1:1:1 रेशियो लेंगे, ठीक है। अब जीनोटाइप्स की बात करनी है, फिर हमें पेरेंट्स के जीनोटाइप्स और प्रोजनी के जीनोटाइप्स पता लगाने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बना लेंगे, इनके कलर का एक क्रॉस हो गया और शेप का एक क्रॉस हो गया, यहाँ पे हमने इनका टोटल कर लिया पर्पल का एंड देन येलो का, फिर फुल और श्रंकन का टोटल हो गया। अब यहाँ पे फिनोटाइप पता लगाने के लिए देखो, नॉर्मल सी बात है, दो फिनोटाइप आने के लिए, एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट आने के लिए, जो डोमिनेंट है मेरा पर्पल उसको हिट्रोजाइगस होना पड़ेगा, ठीक है, और रिसेसिव तो रिसेसिव कंडीशन ही रहेगी, इसीलिए पर्पल को हमने कैपिटल पी स्मॉल पी लिया है, येलो को स्मॉल पी, ऐसे ही फुल वाले को जो कि डोमिनेंट है कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और श्रंकन को स्मॉल एफ, इनका जब क्रॉस कराएंगे इससे हमें ऑब्टेन होंगे क्या रिजल्ट्स, क्योंकि दो ही हमारे आउटपुट आ रहे हैं, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव, तो इसीलिए पर्पल का हाफ आया है और येलो का भी हाफ आया है। ऐसे ही फुल और श्रंकन में भी हमने सिर्फ दो ही कंडीशन देखी, फुल या फिर श्रंकन, तो इनकी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ और हाफ हो जाती है। अब जो भी हमारे F1 जनरेशन आई है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सबकी 1/4 आ रही है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि सबकी 1/4 प्रोबेबिलिटी आ रही है इसीलिए हमारा रेशियो 1:1:1:1 हो गया। फिर टेबल ऑप्टेन कर लेंगे, ऑब्जर्व वैल्यूज़ हमने लिख दी, टोटल हमारा ये था, रेशियो हमने देख लिया 1:1:1:1 था, कैलकुलेट कर ली वैल्यूज़, यहाँ से फॉर्मूले में पुट करके हमारा काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2.70। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, फिनोटाइप्स कितने हैं 4, 4 - 1 हो गया मेरा 3, तो 3 के हिसाब से 0.05 वैल्यू पे 7.815 से 2.70 कहीं लाई कर रही होगी इधर इन दोनों के बीच में, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0.05 से ज़्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे और जो भी वेरिएशन आ रहा वो ड्यू टू चांस, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए जो भी रेफरेंसेस लिए गए हैं वो इन बुक से लिए गए हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो यार।